फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लीसी जीकेएस में। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहना। और आज का मेकअप बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है वैलेंटाइन डे मेकअप लुक पे है। तो चलो, और ये जो मैं आउटफिट ली हुई है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। तो आप चाहो तो वैलेंटाइन डे पे या कोई भी पार्टी फंक्शन पे ये आउटफिट आप ले सकते हो। इसका फ्रॉक बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी से ही, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। और लाइक कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगी और आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा। और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने अदर कोई भी दोस्त में। तो चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। ऐसा मेकअप करते हैं जो कि आपसे भी हो जाए और हमसे भी हो जाए और कोई गलती भी ना हो। तो सबसे पहले हम लोग स्किन केयर करेंगे। स्किन केयर में बस एक दो प्रोडक्ट लगेगा, तो उसमें स्किन केयर कर लेते हैं, उसके बाद मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये रोज वाटर लगाऊंगी टोनर के रूप में, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी तक मेरे पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं आए कि मैं टोनर खरीद सकूं, तो ये रोज वाटर मुझे काफी ज्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तो चलो इसको लगाते हैं। को डैब डैब करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। आजकल तो ठंडी में भी गर्मी हो रही है, तो सनस्क से तो बचना पड़ बनता है, इसलिए मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी। ये कॉसेन क्यू का सनस्क्रीन है, तो ये मैं लगाऊंगी। और सनस्क्रीन का रूल है 3 फिंगर रूल, तो मैं इसी से लगाऊंगी। और काफी भर भर के मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी। और उसके बाद मैं सीरम लगाऊंगी, ये गुड वाइब्स का सीरम है। और इसको थोड़ा सा मैं मसाज करूंगी, और मसाज करते सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए मैं इसको भी अप्लाई कर लूंगी। और उसके बाद मैं ये लैक्मे की क्रीम लगाऊंगी, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो मैं इसको लगाऊंगी। और ये काम कौन करता है बता देना। लैक्मे की क्रीम के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो पता होगा ही कि ये कितनी अच्छी क्रीम है। और इसका उसको लगाने के बाद मेरा स्किन कैसे ग्लो कर रहा है, तो वो काफी अच्छा मुझे लैक्मे की क्रीम लगती है। और उसको लगाने से ऐसे भी ग्लो लगता है, आप डेली यूज पे भी आप कर सकते हो, उसको लगा सकते हो और काफी ग्लो मिलता है। अगर और ग्लो ऐड करना है तो ये स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर है, लिक्विड हाईलाइटर। आप कैसे भी इसे फाउंडेशन कंसीलर किसी में भी आप मिला के लगा सकते हो, और ये काफी ज्यादा अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, तो इसको आप लगा सकते हो। और इसको देखो, उसके बाद NYBA का फाउंडेशन मैं लगाऊंगी, जिसमें इसमें तो बहुत ही बैड है कि इसमें पंप नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पंप नहीं है तो कभी लगाना थोड़ी छोड़ूंगी मैं, लेकिन पंप देना चाहिए था। इसको भी मैं डैब डैब करके अप्लाई करूंगी, और पूरा नेक और ईयर को भी मैं नहीं छोड़ूंगी, और इसको भी पूरे अच्छे से अप्लाई करूंगी मैं। इसके बाद स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगाऊंगी मैं, और स्विस ब्यूटी का कंसीलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसका कवरेज भी और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा ही देता है इसका, तो मैं इसको लगाऊंगी। स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर है ये बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर होता है, तो और ये कम पैसे में भी मिलता है। NYBA का कंटूर, जो कि ये टूट चुका है, और इसको मैं ऐसे ही लगाती हूँ। हल्का सा अपने फेस को शेप देने के लिए कॉन्टोर का मैं यहाँ यूज़ की हूँ, जो कि ये बनता है। और उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अपना अंडर आइज सेट कर लूँगी, और पूरे फेस को मैं सेट कर लूँगी। उसके बाद एकदम कम पैसे में ब्लू हेवन का ये ब्लश मिलता है, और इसको मैं ब्यूटी ब्रश की हेल्प से इसको मैं राउंड राउंड करके अपने चीक पर अप्लाई करूँगी। और उसके बाद स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर से मैं हाईलाइट करूँगी, जो कि और ज़्यादा वैलेंटाइन डे पर थोड़ा सा और ग्लो हो। और उसके बाद मैं रेड कलर का लेके और आई शैडो पैलेट से मैं लगाऊंगी। और उसके बाद आईलाइनर NY का लगाऊंगी, NY का आईलाइनर। और ये जो स्टोन मैंने लगाया है, मैंने स्टोन का भी यूज़ किया थोड़ा सा न्यू लुक देने के लिए। और ये मास्क का मस्कारा, और इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लगता है मास्क का मस्कारा, तो मैं इसका आप देख सकते हो। और ये ब्लू हेवन का लिपस्टिक है, जो कि रेड कलर में है, और मुझे ज़्यादा रेड पसंद नहीं आया, तो मैं क्या की उसको ये लिप ग्लॉस लगा ली NY का, तो इसका दूसरा अलग कुछ रेड निकल के आया। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो कि वैलेंटाइन डे पे एकदम परफेक्ट है। और मेरा जो आउटफिट है ये तो वैलेंटाइन डे पे हमको तो बहुत सारी लड़की ये वैलेंटाइन डे पे फ्रॉक लेंगी ही, और वैसे कम दाम का है तो अच्छा होगा ही। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।